नमस्कार दोस्तों, मैं अंसारी सर निर्णय अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको रस और रस के अंग के बारे में बताया है। अब लेके चलते हैं आपको रस की परिभाषाएं एवं उनके उदाहरण के बारे में। पहला रस है दोस्तों, आपको पता ही होगा, श्रृंगार रस, रसराज। और आपको बता दें, इससे वर्तनी बहुत पूछता है। जो इस तरह से श्रृंगार लिखते हैं वह रंग होता है, सही वर्तनी क्या है दोस्तों? श्रृंगार रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है दोस्तों? प्रेम, नायक नायिका का प्रेम इसके अंतर्गत आता है। जब कोई ऐसा प्रसंग चलता है जिसमें नायक नायिका के एक साथ होने या अलग होने का भले बोध हो, लेकिन उनके मन में प्रेम की भावना दर्शाई गई हो, अगर ऐसा कोई उदाहरण हो जिसमें श्रृंगार परक बातें हों, सौंदर्य का वर्णन किया जाए, एक दूसरे के प्रेम का वर्णन किया जाए, तो वहाँ कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। जैसे दोस्तों, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। आपने देखा कि इस वाक्य से ही स्पष्ट है, जाके सिर मोर मुकुट, अर्थात जिनके सिर पर मोर का मुकुट है, मतलब श्रृंगार की बातें हो रही, इसलिए कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, अर्थात मन में प्रेम की भावना दो तरह से बनती है। नंबर एक है दोस्तों संयोग श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका एक साथ रहते हैं और उनके मन में प्रेम की भावना रहती है, तो वहां कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस। अर्थात जब कोई ऐसा प्रसंग चले जिसमें नायक और नायिका एक साथ रहें और उनके प्रेम भाव का वर्णन किया जाए, वहां कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस। उदाहरण के रूप में हम आपको देते हैं, जैसे कहत नटत रीझत खीझत। रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। भरे भवन में करत हैं है नैनन ही सौ बात। आपको लग रहा है कि नयनों से कोई बातें कर रहा है और भवन में बैठकर कर रहे हैं, तो आपको सेंस लगा लेना चाहिए। मिलने से चेहरा जो है खिल जा रहा है, कोई लज्जित हो रहा है, इसका मतलब नायक नायिका एक साथ हैं, तभी मिल रहे हैं, लज्जित हो रहे हैं और साथ साथ जो है नयनों से बातें कर रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि प्रेम का भाव वर्णन है और उसमें नायक और नायिका एक साथ हैं, तो कौन सा रस हो जाएगा दोस्तों? संयोग श्रृंगार रस। जैसे बतरस लालच लाल की, मुरली धई लुकाए, सौह करें भौहन हसें, दैन कहें नट जाए। अब इसमें दोस्तों आपने देखा क्या कि बतरस लालच लाल की मुरली धई लुकाए, मतलब कोई मुरली छिपा दे रहा है, मतलब है साथ में तभी तो छिपा रहे हैं, सौंह कर रहे हैं, पूछा जा रहा है तो सौगंध खा रहे हैं, नहीं जानते हैं, फिर बार बार कहते हैं, फिर भी मना कर देना, इसका मतलब नायक नायिका एक साथ हैं, कृष्ण और राधा एक साथ हैं और उनके इस एक साथ होने से प्रेम का भाव भी प्रदर्शित किया जा रहा है। जब नायक और नायिका एक साथ हों और प्रेम का भाव प्रदर्शित हो, तो कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार रस होता है दोस्तों। इसके बाद लेके चलते हैं आपको श्रृंगार रस के दूसरे उदाहरण के दूसरे भेद की तरफ, जिसका नाम है वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस। इसी कारण से संयोग को संभोग साथ साथ सुख भोगते हैं, इसलिए संभोग श्रृंगार रस भी कहा जाता है। वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस, जब नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हो जाएं, और ध्यान दीजिएगा मिलने की इसमें पूरी आशा रहती है, मिलने की उम्मीद आशा बनी रहती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर जिंदगी में कभी मिलने की किसी से उम्मीद न हो अलग होने पर,
तो वहाँ करुण हो जाएगा, प्रेम नहीं रह जाएगा, तो वहाँ करुण रस हो जाता है। और मिलने की उम्मीद बनी रहती है तो वहाँ पर क्या होता है, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। जैसे आपने देखा कि पीऊ सो कहो संदेशड़ा, संदेशड़ा हे भंवरा हे काग, आपने देखा क्या हो रहा है यहां पर, पिया से कोई संदेशा, किसी से भंवरे और कौवे से संदेशा भेजा जा रहा है, किसके लिए, पिया के लिए, मतलब जिंदा है तभी तो भेजा जा रहा है, अर्थात मिलने की आशा में ही भौरे और कौवे से क्या किया जा रहा है, संदेशा कहा जा रहा है। नागमती वियोग वर्णन का यह प्रसंग है, तो दोस्तों इसका मतलब है कि पति जीवित है इसलिए जो है उसको संदेशा भेजा जा रहा है, लेकिन अलगाव की स्थिति है तभी तो संदेशा भेजा जा रहा है। तो जब नायक नायिका एक दूसरे से अलग हों और उनके बीच में प्रेम प्रसंग का वर्णन किया जाए तो वहां कौन सा रस होता है, वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस, और मिलने की आशा बनी है तभी तो वो संदेशा भेज रही है। जैसे राम क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, अर्थात देखिए राम भी क्या कर रहे हैं, सीता के मिलने की उम्मीद में ही खग पक्षियों और मृग पशुओं से क्या कर रहे हैं और भौरों के समूहों से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं सीता को देखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हैं लेकिन मिलने की आशा है, अगर मिलने की आशा न होती तो राम कभी जो है मैसेज ही न कहते, कभी कोई बात ही न कहते। इसका मतलब है मिलने की उम्मीद में नायक जो है मृग से पशुओं से और भौरों के समूहों से पूछ रहे हैं कि सीता को देखा है आपने, इसका मतलब है नायक और नायिका एक दूसरे से अलग हैं, फिर भी प्रेम का प्रसंग है इसलिए यहाँ कौन सा रस है, यहाँ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार रस है। इसके बाद दोस्तों नया रस आता है जिसका नाम है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हास या हंसी, मन में यही भावना आती है, जब हास या हंसी की भावना आए, जब कोई ऐसा प्रसंग चले जिसके आधार पर मन में हंसी की फीलिंग आए, वहां कौन सा रस होता है, हास्य रस। मान लीजिए जैसे किसी व्यक्ति को कह दिया जाए जाओ आप स्टेज पर, कोई भी वाद्य यंत्र लेकर के तुम्हें 15 मिनट का समय मिला है, तुम अपनी बातों को कहो, और जा करके वहां वो 15 मिनट का आधे घंटे में अपना तबला ही सेट करने लगे और आधे घंटे के बाद गाए तो पूरा श्रोता खसक ले, वहीं से खिसक जाए, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ऐसी ही बातें सुन करके मन में हंसी की भावनाएं आती है। तो वही उदाहरण है, तंबूरा लिए मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे, सारे श्रोता। अब देखें आप, इससे ही स्पष्ट लग रहा है कि कोई तंबूरा कोई वाद्य यंत्र लेकर मंच पे बैठे प्रेम प्रताप और 15 मिनट का समय मिला और उसी में क्या किए, वो घंटा भर चिल्लाने लगे, यह सब सुन करके जो है ऐसा राग मारे कि जिसने सुनने वाले थे वो खिसक लिए, तो मन में कैसी भावनाएं आती हैं, हंसी की भावनाएं आती हैं। जैसे एक उदाहरण आता है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतमती य तरि तुलस्य कथा सुनबे मुनि बृंद सुखारे, होय है शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजुल कंज तिहारे, किनी भली रघुनायक जु करुणा करिकानन को पग उधारे। इसका मतलब ये है कि विंध्य के लोग बहुत दुखी थे, किसके बिना, नारी के बिना। अब बताइए कोई सुनेगा कि बिना नारी के कोई दुखी है, तो ये हंसी की तो बात है ही है, और सबसे हंसी की बात ये है कि वे लोग मुनियों से कथा सुने कि राम विंध्य क्षेत्र में आए हैं, शिलाओं को छू दे रहे हैं और शिलाएं चंद्रमुखी बन जा रही हैं, और खुश हुए कि लिंगानुपात जो बढ़ा है वो कम हो जाएगा। इससे क्या आती है, मन में हंसी की भावनाएं आती हैं,
कि लोग बिना नारी के दुखी हैं और पत्थर में शिलाओं को जो है सोच रहे हैं कि ऐसे कैसे लोग हैं। इस तरह से यहाँ कौन सा रस होता है दोस्तों? हास्य रस होता है। इसके बाद आता है रस आपका दोस्तों करुण रस। जब कोई किसी से अलग हो जाए और अलग होने की स्थिति में दोबारा मिलने की उम्मीद न रहे, पूरी तरह से नष्ट हो जाए, मतलब कोई मर जाए या कोई कुछ भी हो, जवान जैसे शहीद हो जाए इत्यादि चीजें, तो मिलने की जब आशा नहीं रहती है तो वहां कौन सा रस होता है? करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाता है। जैसे राजा दशरथ ने जब श्रवण कुमार को मार दिया तो उनकी माता जी जिस तरह से विलाप कर रही थी श्रवण कुमार के लिए, तो वहां पर वियोग नहीं होगा, वहां पर शोक हो जाएगा, क्योंकि करुण रस होगा, क्योंकि श्रवण कुमार के मिलने की आशा नहीं है, उम्मीद नहीं है। जैसे मणि खोए भुजंग सी जननी, हंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तुमने जगदीश, अब देखें यहां पर कोई जो है मां या कोई मां किस तरह से जननी भुजंग से, सांप जैसे, जैसे सांप अपना मणि खो देता है तो क्या कोई मणि ले जाता है तो मिलने की आशा रहती है क्या? नहीं। तो इसी तरह से श्रवण कुमार के मरने के बाद उनकी माता जी जैसे सांप फन पटक के रोता है, वैसे ही जो है अपना शीश पटक के रो रही थी और राजा दशरथ को उलाहना देते हुए कह रही हैं कि आज तुमने तो मेरा पूरा संसार ही सुना कर दिया है। इस तरह से कोई शीश पटक के तभी रोता है जब किसी के मिलने की आशा नहीं रहती है, तभी मरने की स्थिति में ही, शहीद होने की स्थिति में ही जो है क्या होता है, उसके मिलने की आशा नहीं रहती है। इसका मतलब कौन सा रस है? कोई भी याद रखिएगा, अगर शीश पटक के रो रहा है इसका मतलब उसके मिलने की आशा समाप्त हो गई, इसलिए कौन सा रस है? करुण रस है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रस है आपका वीर रस। वीर रस, इसका स्थायी भाव उत्साह। जब वीरता की बात चलती है तो याद रखिएगा वहां पर कौन सा रस होता है? वीर रस होता है। और याद रखिएगा एक बात दोस्तों, वीर रस में जो है उत्साह, उत्सुकता, एकदम जैसे एग्रेसिव होकर के कोई बात करना, इस तरह की बातें आती हैं वीरता में। वीरता का शौर्य का प्रदर्शन होता है उस उदाहरण में, कौन सा रस होता है? वीर रस। इसीलिए इसका स्थायी भाव उत्साह है। और आपको बता दें दोस्तों, वीर चार प्रकार के होते हैं। एक होता है युद्ध वीर, जो युद्ध में वीरता दिखाता है, जैसे आपके अर्जुन थे, अभिमन्यु थे, आदि थे। आपके दानवीर, दानवीर में जैसे कर्ण का नाम आता है, दानवीर में जैसे आपके हरिश्चंद्र का नाम आता है, दानवीर में आपके जैसे दधीच का नाम आता है, इत्यादि थे दानवीर। धर्मवीर, जो अपने कर्तव्य से कभी विमुख न हुआ हो, वह होता है धर्मवीर। इसके अंतर्गत विशेष रूप से याद किया जाता है महाराज युधिष्ठिर को। इसके बाद आता है दयावीर, दया दिखाने वाले भी वीर हुए हैं, जैसे महावीर स्वामी, जैसे गौतम बुद्ध आदि, जितने भी पैगंबर वगैरह, जितने भी महापुरुष वगैरह थे, सब दया दिखा करके वीर बने हैं, इसलिए वीर ये भी हैं। वीर इस तरह से युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर, चार प्रकार के वीर हुए। अब प्रश्न ये उठा दोस्तों कि वीर रस होता कहाँ है? जब कोई ऐसा प्रसंग चले जिसमें वीरता का उल्लेख हो, वीरता का प्रदर्शन हो, वहाँ पर कौन सा रस होता है? वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, जैसे वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, इत्यादि सारे प्रसंगों में कौन सा रस होता है? वीर रस होता है।
इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट रस है पांचवा रस भयानक रस। मन में कैसी भावनाएं आती हैं, भय या डर की। जब कोई ऐसी चीज देखें या कोई ऐसा उदाहरण आए जिसमें डर या भय का उल्लेख किया जाए, वहां कौन रस होता है, भयानक रस होता है। जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृग राय, विकल बटो ही बीच ही, बीच ही परियो मूर्छा खाए। आपने देखा क्या, एक वो अजगर कोई देखेगा और एक और शेर देखेगा कोई, तो मन में कैसी भावनाएं आएंगी, डर की भावनाएं। आप इस उदाहरण को ही देख करके, कोई अजगर देख रहा है, लख रहा है, और एक तरफ मृगराय शेर देख रहा है, तो ऐसे संदर्भ में डरावनी बातें तो ही हो रही हैं, इसलिए कौन सा रस है, भयानक रस है। दूसरा उदाहरण, जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी चली आ रही, फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। आपने देखा दोस्तों, इसमें क्या है कि सिंधु मतलब समुद्र इत्यादि की लहरें जो है कैसी हो रही, गरज रही हैं, गरजते हुए। अब गर्जन में आपको लगेगा ही कि डर, अब गर्जन में कोई भी हो गरजे, चाहे बादल गरजे, चाहे जो है लहरें गरजे, तो वहाँ क्या होता है, डर लगेगा ही। तो समुद्र की लहरें उठ रही हैं और जैसे एकदम हिल डुल रही हैं, ऐसे उठ करके आ रही हैं जैसे सांप कोई आ रहा हो, तो ऐसी दशा में मन में कैसी फीलिंग आएगी, डर की फीलिंग आएगी। इसलिए कौन सा रस है वहाँ पर, भयानक रस है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रस है आपका विभत्स रस। कौन सा रस, विभत्स रस। विभत्स रस में होता क्या है, विभत्स रस, विभत्स छत बिछत कटी फटी सड़ी गली चीजों को देखकर मन में कैसी फीलिंग आएगी, घृणा की। घृणा माने जुगुप्सा, जुगुप्सा को दूसरे शब्दों में कहते हैं निंदा। घृणावनी चीज़ों की हम हमेशा निंदा ही करते हैं, इसलिए इसका एक स्थायी भाव जुगुप्सा भी है। अर्थात विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा या जुगुप्सा है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जुगुप्सा होगा कहाँ, जहाँ ऐसा प्रसंग चले जिसमें घृणित चीज़ों का उल्लेख किया जाए, घृणावनी चीज़ों का उल्लेख किया जाए। कौन सा रस होता है, जैसे सिर पर बैठो काग, मतलब कौआ सिर पर बैठा हुआ है, दो आंख खात निकारत, दो आंख खात निकारत। सिर पर बैठकर कौआ क्या कर रहा है, दोनों आंख निकाल करके खा रहा है। कितनी घिनौनी चीजें हैं, जीभें खींचत स्यार, अति ही आनंद उर्धारत, गिद्ध जांघ को खोद खोद के, गिद्ध जांघ को खोद खोद के मांस उपारत। इस तरह के प्रसंग में कौन सा रस होगा कि स्यार जो है जीभ को खींच रहा है, गिद्ध जांग को फाड़ फाड़ के जो है मांस उखाड़ रहा है, कौन सा रस होगा, वहां पर दोस्तों विभत्स रस होगा। छत बिछत कटी फटी सड़ी गली चीजों का उल्लेख है, इसलिए दोस्तों वहां कौन सा रस होगा, विभत्स रस होगा। इसके बाद नेक्स्ट रस है दोस्तों आपका
रौद्र रस, रौद्र, रौद्र माने रुद्रदेव से बना है जो क्रोध का पर्यायवाची माना जाता है। तो मन में कैसी भावनाएं आती हैं? क्रोध की। जब कोई ऐसा प्रसंग चलता है जिसमें मन में क्रोध की फीलिंग आती है तो कौन सा रस होता है? रौद्र रस होता है। जैसे मेघनाथ के संदर्भ में, उस काल मारे क्रोध से तन कांपने उसका लगा, तन कांपने उसका लगा मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब क्रोध से किसी का उनका जो है बदन कांप रहा है, जब क्रोध से बदन कांप रहा है इसका मतलब क्या है? रौद्र रस है। जैसे सोते हुए सागर को किसी ने गुस्से से जगा दिया हो, वहां कौन सा रस है? रौद्र रस है। इस तरह से दोस्तों आपका रौद्र रस भी समाप्त हुआ। अब लेके चलते हैं आपको अद्भुत रस की तरफ। आठवां रस है अद्भुत रस। अद्भुत मतलब आश्चर्य, आश्चर्य मतलब विस्मय। जब कोई ऐसा प्रसंग चलता है जिसमें आश्चर्य या विस्मय का बोध हो, कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। जैसे यशोदा जी, जब माता यशोदा जब कृष्ण से बोलती हैं कि कान्हा क्या खाए हो, तो कहते हैं कुछ नहीं माते, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो ऐसी दशा में देखिए, जब उनका मुंह देखती हैं तो क्या होता है? पूरा ब्रह्मांड दिखता है। तो क्षण भर के लिए वो एकदम अचेतन हो जाती कि मैं क्या देख रही हूँ, मैं मुंह देख रही हूँ कि पूरा ब्रह्मांड। तो ऐसे संदर्भ में कौन सा रस है? अद्भुत रस, क्योंकि आश्चर्य का विषय है। जैसे देखी यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। अब आपने यहां देखा दोस्तों कि शिष्य के मुख में पूरा विश्व दिखना ये आश्चर्य का विषय है, नो डाउट। जब ये आश्चर्य का विषय है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अद्भुत रस है, क्योंकि आश्चर्य या विस्मय के उदाहरण में कौन सा रस होता है दोस्तों? अद्भुत रस होता है। अब किसी बच्चे के मुख में अगर विश्व की पूरी छाया दिख रही है तो क्या होगा? वहां पर आश्चर्य या विस्मय का बोध है, इसलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? अद्भुत रस। और आपको बता दें, अभी तक जितने रस हमने बताए हैं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में इतने ही रसों को माना है। इसके बाद दोस्तों आपको बताते चलें, बाद के आचार्यों ने उद्भट, मम्मट, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ आदि ने एक नए रस की कल्पना की, नौवां रस, जिसका नाम है शांत रस। भरत मुनि ने इसे रस नहीं माना है। और शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद या शम या वीतराग, लेकिन प्राथमिकता इन्हीं दोनों को दीजिएगा। और शांत रस होता कहाँ है, प्रश्न ये उठा, बहुत अच्छा प्रश्न उठा। तो याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी रचनाकारों, कवियों इत्यादि के जो भी उपदेश परक वाक्य हैं जिसमें सांसारिक जगत की बुराई करके आध्यात्मिकता पर विशेष बल दिया है, ऐसे उदाहरणों में कौन सा रस होगा? शांत रस होगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं हम, जैसे शरीर की बुराई करते हुए, शरीर को नश्वर मानते हुए कबीर दास जी कहते क्या हैं? जरा देखिए, मन रे तन कागद का पुतला। हे मन, यह तन तो कागज का पुतला है। देखिए, मन की प्राथमिकता आध्यात्मिकता की ओर रुझान दे रहे हैं, अर्थात मन को नियंत्रित करने की बात कर रहे हैं। इंद्रियों पर नियंत्रण मतलब होता है निर्वेद होता है, इसलिए स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। अर्थात रस कौन सा है? शांत रस। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, बूंद लगई बिनस जाय छिन में,
गर्भ करे का इतना, अर्थात इस शरीर पर नाज या गुमान या घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जैसे पानी की बूंद लगने पर कागज का पुतला नष्ट हो जाता है, वैसे ही शरीर में पता नहीं कौन सी व्याधि कौन सा रोग आ जाए और ये शरीर नष्ट हो जाए। इसलिए इस शरीर की नश्वरता को सिद्ध करते हुए आध्यात्मिकता की बातें कर रहे हैं। इसलिए कौन सा रस है यहाँ पर? शांत रस है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी किसी भी कवि के उपदेश परक वाक्य किसके अंतर्गत आते हैं? शांत रस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दोस्तों दसवां रस है वात्सल्य, लेकिन वास्तव में रसों की संख्या कुल नौ है, लेकिन वात्सल्य को भी जान लें आप कि वात्सल्य रस होता कहाँ है। इसका स्थायी भाव वात्सल्यता, दुलार, प्रेम आदि होता है, हमने बताया था आपको। जब किसी संतान आदि के प्रति प्रेम का भाव, छोटे भाइयों के प्रति प्रेम का भाव इत्यादि का भाव दिखे बहनों के प्रति, तो वहां पर कौन सा रस होता है? शांत रस, वात्सल्य रस। हमने बताया भी था आपको कि सूरदास इसके जो है, सूर सम्राट जो है, और वात्सल्य सम्राट कहे जाते हैं सूरदास, क्योंकि उन्होंने अपनी बंद आंखों से जो वर्णन कर दिया बच्चों की लीलाओं का, वह खुली आंख वाला भी नहीं कर पाता है। इसलिए सूरदास जिसको वात्सल्य सम्राट कहा जाता है, और जैसे उदाहरण में देख लीजिए, किलकत कान घुटुरवन आवत, मनिमय कनक नंद कै आंगन, मनिमय कनक नंद कै आंगन बिंब पकरि भय धावत। इसका तात्पर्य यह है कि देखिए कान जो है, कान्हा जो है, कृष्ण जो है, किलकारी मारते हुए घुटनों के बल आ रहे हैं, और कनक मणिमय कनक मणियों से युक्त जो फर्श है उस पर उनकी परछाई दिख रही है, उसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से बच्चे की लीला का वर्णन है, तो बच्चों की जी लीलाओं का वर्णन हो, छोटे बच्चों के जो प्रति प्रेम अनुराग दिखाया गया हो, वहां कौन सा रस होता है? वात्सल्य रस होता है। इसी तरह से अपना अगला रस है जैसे भक्ति रस है, भक्ति रस में कुछ है नहीं, जैसे भक्ति भावना से ओतप्रोत कोई बात की जाए या ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग दर्शाया जाए, वहां कौन सा रस होता है? वहां पे दोस्तों भक्ति रस होता है। जैसे राम जप, राम जप, राम जप बावरे, यहां पे क्या संदर्भ कहा जा रहा है? सीधे सीधे दिख रहा है कि राम का नाम जपने की बात हो रही, ईश्वर की आराधना की बात हो रही है, कौन सा रस हो जाएगा वहां पर? दोस्तों वहां पर भक्ति रस हो जाएगा। इस तरह से आपको हम कुछ नोट करके कुछ बातें भी बता दें। श्रृंगार रस जो है दोस्तों, याद रखिएगा, यह रसों का राजा कहलाता है, रसों का राजा, इसीलिए इसे रसराज कहते हैं। सबसे अच्छा रस माना जाता है, रसों का राजा माना जाता है, और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी हैं, बिहारी लाल। इसके बाद आपको बता दें दूसरी बात, अगर वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कभी कहा जाए तो दोस्तों सूरदास हैं, सूरदास को वात्सल्य सम्राट कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात आपको बता दें, गुण साहित्य जगत में गुण तीन प्रकार के होते हैं, नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन। नंबर एक है दोस्तों माधुर्य गुण, नंबर दो प्रसाद गुण, नंबर तीन ओज गुण। ओज गुण, अगर कभी पूछा जाए माधुर्य गुण का प्रयोग किस रस में किया जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों स्पेशल श्रृंगार रस में माधुर्य गुण होता है। प्रसाद शांत रस में स्पेशल दोस्तों आपको बता दें विशेष रूप से प्रसाद गुण होता है, और वीर रस में दोस्तों ओज उत्तेजना की बातें होती हैं। एक बात और बता दें, ओज गुण के अंतर्गत ट वर्ग की ध्वनियां, ट वर्ग ट ठ ड इत्यादि ध्वनियां, ट वर्ग की जो ध्वनियां होती है, ट से टमाटर है, ये ट वर्ग है, ट वर्ग की ध्वनियां जो है ओज गुण के अंतर्गत आती हैं। कोई भी आए तो याद रखिएगा इस तरह से चीजें होती हैं। अब आपका रस टॉपिक समाप्त हुआ, अब नए टॉपिक हम लेके चलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है अलंकार।